शुरू हो गई है। ये तो कठुआ की बात थी। आगे बढ़ते हैं, बात फिर से सूबा कश्मीर की भी करेंगे और उसके बाद जम्मू की, क्योंकि बैक टू बैक पिछले दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, अब जो बिजली डिपार्टमेंट है वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है, या जो पावर कॉर्पोरेशंस हैं वो काफी सरगर्म नजर आ रही हैं इस हवाले से कि जिन लोगों ने अभी तक अपने कनेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए, और जो लोग अभी तक इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक प्रीपेड अपने कनेक्शंस बिजली के नहीं करवाए हैं, वो फिर अब कार्रवाई का सामना भी करें। कश्मीर सूबे में जो पावर कॉर्पोरेशन है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, उसने कहा है कि प्रीपेड पर स्विच करें, बसूरते दीगर कार्रवाई हम शुरू करेंगे, उसके फेस करने के लिए तैयार रहें, ये सार्फीन को हिदायत दी गई है। एक तो ये परेशानी पिछले दिनों से, दूसरा क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई महीनों का बिल जो है वो अभी तक अदा करने में नाकाम रहे हैं, तो उसके लिए भी अब कंसर्न अथॉरिटीज जो है बार बार हिदायत जारी कर रही है। पिछले दिनों से ट्विटर पर भी, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी कहा रहा है कि अब अगर आप वक्त पर, या डेडलाइन जो है 30, 28, 29 तारीख फिक्स कर दी जाती है, तब तक अगर आप बिल अपना बिजली का पे नहीं करते, या प्रीपेड मीटर्स जिन इलाकों के अंदर सबसे पहले इनिशियल स्टेज में करने थे वहां पर नहीं करते, तो फिर आप कार्रवाई का सामना भी करें, और जिन लोगों ने अभी तक बिल्स नहीं दिए उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे, ये कंटिन्यूअसली कहा जा रहा है। तीसरी बड़ी बात जो बार बार कहा जा रहा है कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं मिलती, इस पर भी पहले भी वजाहत कंसर्न महकमे की तरफ से दी गई, फिर से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से बिजली सप्लाई में या खपत में कोई भी किल्लत महसूस नहीं की जा रही है, और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बिजली सप्लाई कम हुई है या परेशानी मकामी सतह पर है, उस बात से फिर से मुतलका महकमा एक बार फिर इशफाक इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। इनकार नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि जनाब सिचुएशन बेहतर होगी या कट्स कम हो गए, लेकिन फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है हम लोगों को कि जनाब फूरी से बेहतर आप प्रीपेड की ओर चले जाएं, और अगर आपने इस महीने के वस्त तक प्रीपेड नहीं किया तो उसके ऊपर अब आपको जुर्माना होगा। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ है। फैसल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। KPDCL कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें या जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात, दोनों इस बार सख्त नजर आ रही है, कह रहे हैं जो प्रीपेड का सिस्टम है जी इसको मुतारफ कराना ही और इसी तरीके से आपने काम करना होगा, नंबर एक। और नंबर दो, जो दावा पेश किया जा रहा है कि बेहतरी बिजली के निजाम में आई है, दोनों बातों पर जरा अपडेट करें हमें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या वाकई तौर पर बेहतरी बिजली के अंदर आई है, और ये जो प्रीपेड वाला मामला है कहां तक चल पाया है अभी तक? देखिए बिल्कुल, जहां तक आपने प्रीपेड की बात की तो पहले ही ये ऑर्डर दिया गया था जो 1,10,000 मीटर्स श्रीनगर में लगाए गए थे स्मार्ट मीटर्स, तो अब 1 जून से उनको प्रीपेड मोड पे डालना था क्योंकि वो पोस्टपेड उनको प्रीपेड मोड पे डालना था, पहले उन पे पैसा भरना है उसके बाद ही बिजली मिलेगी। तो जो पहले फेज में थे करीबन 55,000 के करीब जो स्मार्ट मीटर है उनको प्रीपेड मोड पे डालना था, जिसके लिए डेडलाइन जो 1 जुलाई यानी कल का दिन दिया गया था। अब इसके बाद जिन्होंने वो प्रीपेड मोड नहीं दिया, जिन्होंने जो उनकी बिल्स थी वो जो बिल उन्होंने नहीं भरी है, या जिन्होंने अभी तक जो अपना स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड मोड पे नहीं डाला है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनका नोटिस होगी, उनका पावर जो है वो डिस्कनेक्ट भी किया जाएगा। जहां तक अब जो पावर कंटेलमेंट हुई थी आज, एक बार फिर से आपने भी कहा कि पहले तो जो हुकूमत या मुतलिका डिपार्टमेंट था वो इस चीज को एडमिट ही नहीं करता था किसी तरह की कोई इनकनवीनियंस है, लेकिन आज आप देखिए जो इनका खुद मानना है कि 25% की जो कटौती है वो सेंटर की तरफ से की गई, क्योंकि जो यहाँ पे लोग है वो बिजली फीस नहीं करते हैं, जिसके बाद हमें बाहर से बिजली जो है यहाँ पे मंगानी पड़ती थी, जो LHPC है उनके उनको करीब 11,000 करोड़ रुपए जो है देने हैं, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दिया, तो यही वजह है कि उन्होंने 25% जो है बिजली है वो कट किए हैं, और अभी सरकार का मना है कि हम इस चीज को हमारे पास बिजली है हम इसी से मैनेज करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अब आपने प्रीपेड की ओर जाना है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग है उसे आने वाले 1-2 दिन अंदर क्लियर करें, वरना आपके खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। KPDCL की तरफ से बात साफ कर दी गई, और इसी तरीके का बयान जो है वो JPDCL की तरफ से भी दिया गया है। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो अलग अलग कॉर्पोरेशन है, दोनों कमर बस्ता